माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगी हाउ टू बिकम अ ग्रेट मैनिफेस्टर। ग्रेट मैनिफेस्टर कैसे बने जो हर चीज मैनिफेस्ट कर सकता है। ये वीडियो बहुत मजेदार होगी दोस्तों और आप इसे एंजॉय करोगे, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोस लाती रहती हूँ और ये सारा कंटेंट मैं डेली बेसिस पे पोस्ट करती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये सारा कॉन्टेंट बड़ा पसंद आता है और वो सब लोग मेरे वीडियोज को इतना सराहते हैं, मैं जान के इतनी खुश हूँ। आई एम सो थैंक यू एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि ग्रेट मैनिफेस्टर कैसे बना जाए, हाउ टू बिकम अ ग्रेट मैनिफेस्टर जो हर कोई चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको तीन बातों को याद रखना पड़ेगा। पहली बात, फर्स्ट थिंग, ग्रेट बिलीफ। जी हाँ, ग्रेट बिलीफ जो है ना, वही आगे चल के आपकी थ्रू आउट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आपका साथ देता है। आपकी एक इच्छा रहती है, एक विश रहती है, एक डिजायर रहती है, पर जब तक आपका उस इच्छा के ऊपर बिलीफ नहीं होगा, ये सच में मैं डिजर्व करता हूँ और ये इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी, तब तक वो पूरी नहीं होगी। आपका बिलीफ जो है ना, वो हर जगह काम करता है। आपको खुद के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, आपकी इच्छा, आपकी जो विश है, डिजायर है, उसके ऊपर बिलीफ होना चाहिए। खुद के ऊपर बिलीफ रखिए कि यू आर वर्दी इनफ कि आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को पाने के लायक हो। आपकी इच्छा, आपकी विश, आपकी डिज़ायर, आप उसके लायक हो, वो आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो चुकी है। आप उसके लायक हो, वो बस आपके सामने आना बाकी है। यूनिवर्स हमेशा आपको देखते रहते हैं, ये आपका बिलीफ है। कोई भी आंधी तूफान आ जाए, मेरा ये बिलीफ कभी ख़त्म नहीं होगा, ना खुद के ऊपर, ना मेरी विश के ऊपर, ना मेरे यूनिवर्स के ऊपर। जब तक आप ये सारी बातों को, बिलीफ एक बात रहती है एंड ग्रेटर बिलीफ एक बात रहती है, अगर आपने सोचा होगा, बहुत सारी ऐसी छोटी, बचपन से हमें कोई बात सिखाई जाती है, जैसे हमारा कल्चर, मम्मी पापा सिखाते, देर आर मल्टीपल रिलीजन, ठीक है, तो हर एक रिलीजन में बच्चों को अलग अलग बात सिखाई जाती है और हम उस बात को आँख बंद करके सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और उसी को थ्रू आउट लाइफ फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे किसी पर्सन ने वो बात बताई है जिसके ऊपर हमारा ग्रेट बिलीफ है। उन्होंने उस बात को एक ग्रेट बिलीफ के साथ हमें बताया है क्योंकि उनको, उनके मम्मी पापा ने, पूर्वजों, उन्होंने वो बात ग्रेट बिलीफ के साथ बताई है। तो वो ग्रेट बिलीफ एक बात को दूसरी जनरेशन को, एक कल्चर को, एक ट्रेडिशन को दूसरी जनरेशन को पास करता है, दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन को पास करता है, तीसरी चौथी को पास करता है। और ये कब होता है? जब वहाँ पे ग्रेट बिलीफ होता है कि ये ट्रेडिशन है जो हमें फॉलो करना है, जो हमें शक्ति देता है, सपोर्ट देता है, प्यार देता है, फैमिली को बांधे रखता है। ये ग्रेट बिलीफ ही है जो आपकी इच्छा शक्ति को 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की ताकत रखता है। आपका बिलीफ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को बूस्ट करता है। आपकी बिलीफ सिस्टम यूनिवर्स को दिखाती है कि ये चीज़ के आप हकदार हो। यूनिवर्स को आपको ये चीज़ प्रेजेंट करनी है, गिफ्ट करनी है, देनी है। यूनिवर्स को जब तक आप ये कन्फर्म बताते नहीं है, कन्फर्मेशन आप यूनिवर्स को कब दोगे कि मैं ये चीज़ का हकदार हूँ या मुझे ये चीज़ चाहिए? ग्रेटर बिलीफ के साथ। समझ गए आप सब लोग? तो ग्रेट बिलीफ एक ग्रेट मैनिफेस्टेशन को जन्म देती है, एक ग्रेट मैनिफेस्टर को जन्म देती है। ग्रेट मैनिफेस्टर के पास ग्रेट बिलीफ होता ही होता है दोस्तों। आपने कई सारे टॉक शोज में बड़े बड़े लोग ऐसे देखे होंगे जो ग्रेट पावर के साथ, ग्रेट बिलीफ के साथ बात करते हैं। उनके पास वो ग्रेट बिलीफ रहता है, इसकी वजह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। उसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपकी बात यूनिवर्स सुने, यूनिवर्स तक वो बात पहुँचे, तो आपको ग्रेट बिलीफ रखना होगा। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट है ग्रेट फीलिंग। जी हाँ, नॉर्मली इन जनरल ऐसा कोई भी पल नहीं जाता जब हम कुछ महसूस नहीं करते, फील नहीं करते। सुबह से शाम आप जब सोते हो, इवन तभी भी आपको पता नहीं होता,
हमारे माइंड में हमेशा फीलिंग्स जन्म लेती है और एंड होती है। एक थॉट के साथ एक फीलिंग आती है और वो उस थॉट के साथ वैनिश हो जाती है। नए थॉट के साथ नई फीलिंग आती है, उसी के साथ वो वैनिश हो जाती है। ये साइकिल कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। आपके फीलिंग के अनुरूप हमारी बॉडी में, मतलब हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स जन्म लेते हैं और मिट जाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स की चेन उसी हिसाब से बनती है। तो ये सब बातें आपको, मतलब हर किसी ने इन सारी बातों का स्टडी नहीं किया होता या हर किसी को ये सारे सिद्धांत पता नहीं होते, पर अगर कोई आपको बता रहा है, जैसे इस वीडियो के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो उसका आकलन करके उसका सही यूज़ अगर हम हमारे जीवन में करते हैं तो हमें हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखेंगे। तो ग्रेट बिलीफ के साथ ग्रेट मैनिफेस्टेशन जन्म लेती है, ग्रेट मैनिफेस्टर जन्म लेता है, ये मैंने बता दिया। बट ग्रेट फीलिंग के साथ हमारी इच्छा पूर्ति को, मतलब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को भेजते हैं। फीलिंग मतलब इट इज़ नथिंग बट वन वाइब्रेशन, राइट? हर एक चीज़ एनर्जी है, तो आप जो फील करोगे उसी एनर्जी के साथ आप वाइब्रेट करोगे, वही एनर्जी पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में आप रिलीज करोगे। वही जो रिलीज्ड एनर्जी है उससे आपका जो मैसेज है, आपकी डिज़ायर पूर्ति का जो मैसेज है, यूनिवर्स में पास होता है दोस्तों। तो अगर आप आपकी इच्छा शक्ति को लेके, आपकी जो इच्छा है, विश है, डिज़ायर है, उसको लेके खुश हो, ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये कार मैनिफेस्ट कर ली है, पॉजिटिविटी, खुशी, वही आप रिलीज करोगे, यूनिवर्स तक वो बात पहुँचेगी और आपकी 3D रियलिटी में वो बात मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो मतलब कोई भी ऐसी बात दूर नहीं रहती। टाइम मतलब अगर आप सोचोगे तो ये सारी जो बातें रहती है ना, इसमें टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। आपकी जितना अब बिलीफ फीलिंग स्ट्रांग रहेंगे, जितने ग्रेट रहेंगे ना, उतना ही आपकी इच्छा जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होती है। सो ग्रेट फीलिंग एंड ग्रेट बिलीफ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू बिकम ग्रेट मैनिफेस्टर। ठीक है, इसमें मतलब लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक सर्टन लेवल पे जाके आप इन सारी चीज़ों को अचीव कर पाते हो। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के मतलब निराश मत हो जाना, ओ माय गॉड मेकअप बिलीफ मेरे अंदर इतना बड़ा जगह हो या समथिंग लाइक दैट। हर चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हम हर किसी को बात पता है। ठीक है, तो तीसरी बात, ग्रेट इमेजिनेशन। मतलब आपने अगर अगर आप इंग्लिश जानते हो तो अगर आपने ओपरा विनफ्री के इंटरव्यूज देखे होंगे तो वो हमेशा कहती है इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। ठीक है, तो मतलब जो लोग सक्सेसफुल है उनको पता है ग्रेट इमेजिनेशन का महत्व क्या है, उससे हम क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं। आपको इमेजिनेशन मतलब पता नहीं, बहुत सारे लोगों को इमेजिन करने में मुश्किलात आती है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है कोई चीज़ मतलब प्रॉपरली विजुअलाइज करने में, इमेजिन करने में उनको तकलीफ होती है। इमेजिनेशन इज नथिंग बट क्या बोलते हैं ना, जैसे आपने आपके पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास्ट में आपने सपोज कीजिए कोई बुरी घटना हो चुकी है, अगर आपको आज उसकी याद आती है तो आपके सामने वही पिक्चर आ जाता है उस बुरी घटना का, या कोई अच्छी घटना हो उसका पिक्चर अगर आप याद करोगे तो उसका पिक्चर आपके सामने आ जाता है। इमेजिनेशन इज नथिंग बट अ सेम, आप फ्यूचर आपका खुद का कैसे प्रेडिक्ट करते हो वो बस आपकी आंखों के सामने लाना है। क्या आप बड़े घर में हो, क्या आपके घर के बाहर गाड़ी है, आप फ्लैट में रहते हो, आप बंगले में रहते हो, आप कौन से कंट्री में रहते हो, आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी दुकान आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो आपका बिजनेस कितने लेवल पे बड़ा है, कितने लेवल पे छोटा है, आपकी दुकान कहाँ पे है, कैसी है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पर्सनल टच देके आप इमेजिन कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि एक ही ढंग से आप इमेजिन करो, हमेशा आप अलग अलग ढंग से इमेजिन करो, सब आपकी इमेजिनेशन को एडिट करो, कंट्रोल करो। ये एक ग्रेट मैनिफेस्टेशन को जन्म देने का तरीका है दोस्तों। आपको मतलब ग्रेट मैनिफेस्टर बनना है तो ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको इनको कंट्रोल करना सीखना होगा, उनको एडिट करना सीखना होगा, आपकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, आप जो सोचते हो आपके दिमाग में आपके थॉट्स का प्रतीक रहता है, वही आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टार्टिंग में विजुअलाइज करने के लिए, इमेजिन करने के लिए प्रॉब्लम आ रही है तो आप फोटोज़ वगैरह का सहारा ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको जाना है बाली में,
ट्रिप के लिए, तो आप बाली के कुछ फोटोज आपके मोबाइल में कॉन्स्टेंटली थोड़े दिन देख सकते हो, उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, 17 सेकेंड्स की अब्राहम हिक्स की टेक्निक उसके ऊपर यूज कर सकते हो और इमेजिन करने का, विजुअलाइजेशन करने के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो आप एक दिन सच में, मतलब ऐसा आएगा कि ये सारी चीज़ों के सामने ग्रेट वर्ड ऐड हो जाएगा और आप बिकम अ मैनिफेस्टर, ग्रेट मैनिफेस्टर बन जाओगे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो मैंने थोड़ी सी हर किसी को मोटिवेट करने के लिए बनाई है कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ बिलीफ रखिए, बट बिलीफ के साथ आपको, मतलब उस बिलीफ के सामने जब तक ग्रेट वर्ड ना आ जाए तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए आपको जर्नी तय करनी है बिलीफ से ग्रेट बिलीफ तक की, आपको जर्नी तय करनी है फीलिंग से ग्रेट फीलिंग तक की, आपको जर्नी तय करनी है इमेजिनेशन से ग्रेट इमेजिनेशन तक की, ताकि आप ग्रेट मैनिफेस्टर बन पाओ और कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना आपके लिए काफ़ी आसान हो दोस्तों। आई होप इस वीडियो की मदद से मैंने आपके जीवन में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग गाइज। बाय बाय।